हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं ये कचौड़ी, आलू की कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने ये दोपहर के लंच में बनाया था, तो आप लोग भी कभी कोई गेस्ट आ जाए तो जल्दी में हो तो आप ये बनाइए, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आलू टमाटर की मैंने जब कचौड़ियों के लिए आलू बॉईल किया था तभी मैंने ज़्यादा बॉईल कर लिया था, और उस आज कुछ आलू मैंने बचा लिए थे सब्ज़ी के लिए। तो मैं पहले जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं जो डेली मसाले डालते हैं तो वही मसाले मैं यूज़ करूँगी। तो वो तेल में ही मैंने डाल दिया था, फिर मैंने उसके बाद टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक का एक साथ पेस्ट बना लिया था, और इस तरह में जल्दी हो जाता है। और फिर जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको थोड़ी देर पकाने के बाद फिर मैं ये जो मैंने आलू बॉईल किए थे तो मैंने इसको कट नहीं किया, इसको हाथ से ही मैंने थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में मैश कर दिया है, तो बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ दिया है। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से जैसा पानी इसमें करना चाहते हैं, गाढ़ा रखना चाहते हैं तो ठीक है, और पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी ऐड करिए, और नमक डाल के ढककर पका लीजिए। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है, तो आप लोग भी इसी तरीके से तैयार कर लीजिए सब्ज़ी। तो मेरी सब्ज़ी तो तैयार हो गई है, और अब मैं कचौड़ी बनाने की तैयारी करूँगी इसके बाद। और ये सब्ज़ी बन गई है, तो इसमें मैंने लास्ट में ये धनिया ऐड कर दिया है, तो धनिया का टेस्ट अलग ही आता है, तो अच्छा लगता है और देखने में भी सब्ज़ी और अच्छी लगने लगती है। मैंने आलू बचा के रखे थे, ये आलू हैं, और मसालों में मैंने यहाँ पर धनिया और जीरा का पाउडर है, उसको धनिया को मैंने घर में ही पीसा हुआ है, और हल्दी थोड़ी सी ले रखी है, थोड़ा सा लिया, आप चाहो तो ना भी लें, बट मैंने यहाँ पे ले लिया ताकि मसाले का थोड़ा कलर अच्छा आएगा इससे। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, और धनिया लिया है, और आलू को मैं ये चम्मच की मदद से, क्योंकि आलू मेरे गर्म भी हैं थोड़े, तो इसलिए मैं ये चम्मच की मदद से फोड़ूँगी, और जिससे अच्छे से काफ़ी अच्छा ये मैश हो जाएगा आलू, और गाँठे नहीं रहेंगी तो मेरा पराठा, जो सॉरी कचौड़ियाँ बनाऊंगी वो फटेंगी नहीं। तो मैंने सारे आलू को मैश कर लिया है, और अब इसके बाद मैं थोड़ा तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ऑयल डाला है, उसके बाद जीरा और हरी मिर्च डाल के फिर हल्दी को पका लूँगी, उसके बाद फिर मैं सारे मसाले डालने के बाद बस आलू को इसमें डाल दूँगी। और मेरी कढ़ाई थोड़ी पतली है तो इसलिए मसाले बहुत जल्दी लगने भी लगता है, बट ज़्यादा नहीं लगा था, फिर मैंने गैस ऑफ कर दी है। और उसके बाद ये इनको अच्छे से मैं मसालों को भून लूँगी, इसी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद लास्ट में मैं धनिया डाल के डाल दिया है, और बस मसाला मेरा रेडी हो गया है। और नमक डाल दूँगी, सॉरी इसमें नमक बताना भूल गई थी, नमक मैं ऐड करूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से, आप लोग ऐड करिए। तो बस कचौड़ियाँ बनाने के लिए मसाला रेडी हो गया। तो गाइस, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को चेंज लग रही होगी, क्योंकि थोड़ी सर्दी है तो इस वजह से मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, उसके लिए सॉरी। मसाला रेडी हो गया है, उसके बाद फिर मैं आटा लगा लूँगी, और आटे में मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी जिससे हमारी कचौड़ियाँ और अच्छी लगेगी, वरना आलू मसाले में तो है लेकिन जब कचौड़ियाँ खाएंगे तो आटे में नहीं होगा, तो वो ऊपर का जो रहेगा आटा तो उसमें टेस्ट कम अच्छा आएगा, तो इसलिए इसमें भी आप नमक ऐड करिए थोड़ा सा। तो ये देखिए मैंने आटा भी लगा लिया है अच्छे से, और इसको मैं थोड़ी देर ढक के रख दूँगी फूलने के लिए आटे को। Thank you.
ये देखिए, फिर मैं करीब 5-10 मिनट बाद फिर मैं ये कचौड़ियाँ सेकने लगती हूँ। तो आप लोग जब खाना चाहते हैं तब गरम गरम कचौड़ियाँ बना के खाइए, बहुत टेस्टी लगती हैं आलू की कचौड़ियाँ। तो ये देखिए छोटी छोटी, मैं आप अपने हिसाब से जितनी बड़ी कचौड़ियाँ रखना चाहते हो, बट कचौड़ियाँ छोटी ही अच्छी लगती है। तो मैं अपने हिसाब से इसको छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लूँगी और फिर जो मसाला है मैं इसमें इसको भर के कचौड़ियाँ बेल लूँगी। तो बेलने के बाद मैं पहले सारी बेल लूँगी, उसके बाद में फ्राई करूँगी, तो जिससे मेरा ऑयल भी नहीं जलेगा। तो आप लोग आगे देखिए मेरी वीडियो में किस तरीके से मसालों को भर रही हूँ, फ्राई करूँगी। मेरी कचौड़ियाँ भी बनके रेडी हो गई है और मैंने चावल बनाए थे। तो अपनी थाली में मैंने, यही मेरा दोपहर का सॉरी लंच था,
तो आप लोग बताइएगा मेरी कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।